तिरुपति टेंपल नेट वर्थ 2.5 लाख करोड़, पद्म स्वामी टेंपल नेट वर्थ 1,60,000 करोड़, सिर्डी साई बाबा मंदिर नेट वर्थ 50,000 करोड़। सिर्फ इन टेंपल्स की कंबाइंड नेट वर्थ आज ONGC, इंडियन ऑयल और विप्रो से भी ज्यादा है। और अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करें तो जहां हमारी भारत सरकार के पास 500 टन की गोल्ड रिजर्व है, वहीं हमारे भारत के टेंपल्स के पास 22,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। पर सबसे अमीर कौन से भगवान का मंदिर है, चलिए जानते हैं। द टेंपल हैज सो मेनी कॉइंस That banks seem to be running out of space. इस मंदिर की कुल संपत्ति की कीमत 1,30,000 करोड़ रुपए है। One of the things which struck me and we looked at the numbers, temple itself has no funds to propagate A, the religion, B, the culture. See the language. तिरुपति बालाजी टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को पूजा जाता है, इसीलिए इस टेम्पल को स्वामी वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर मंदिर में दान देते हैं, इसी वजह से मंदिर की नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़ है। और इस मंदिर के पास 10.25 टन गोल्ड के साथ साथ 16,000 करोड़ बैंक में डिपॉजिट है। और पूरे देश भर में 960 मंदिर की प्रॉपर्टीज भी हैं। केरला में स्थित विष्णु मंदिर पद्म स्वामी टेम्पल, जो रिसेंटली विश्व के सबसे रिलीजियस रिचेस्ट साइट्स में से उभर कर आया है, यह टेम्पल अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, अनइमेजिनेबल वेल्थ के साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े रहस्यों के बारे में भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर कुल 6 तहखाने हैं और खोले गए तहखानों में से लगभग 1,00,000 करोड़ का सोना है। और आज भी तहखाने 2 को खोला नहीं गया है, क्योंकि इस तहखाने के ऊपर सांप की बनी आकृतियां हैं। और माना जाता है कि इसे मंत्रों से बांधा गया है, और जिस दिन इस दरवाजे को खोला जाएगा पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। देवी के सम्मान में बना एक मंदिर जहां गुफाएं 10 लाख साल पुरानी है, एक ऐसा मंदिर जहां देवी ने अपने कदमों के निशान खुद छोड़े। ये है जम्मू कश्मीर के कटरा की शान माता वैष्णो देवी टेम्पल। माना जाता है कि 12 किलोमीटर की यह अत्यंत कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जो भी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, और उसके लिए मोक्ष के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर हर साल 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं, और जो कि वहां की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाते हैं। और माता वैष्णो देवी पर लगभग 500 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी यानी मछली जैसी आंखों वाली माता पार्वती को समर्पित है तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित मीनाक्षी मदुरई टेम्पल। इस मंदिर का आर्किटेक्चर आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाए गए हजारों निकासदार स्तंभ, शानदार गलियारे जिनकी छत पर चित्रकारी की गई है, और करीब 33,000 जटिल और शानदार प्रतिमाएं भी बनाई गई है। मंदिर में बना श्री यंत्र नारी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। सोने की परत चढ़ा हुआ इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसा स्तंभ है। यहाँ हर साल 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और 6 करोड़ से भी ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो दर जहाँ मुंबई झुकाती है अपना सर, जहाँ रहते हैं इस महानगरी के प्यारे विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक में गणपति का सबसे शक्तिशाली और सबसे सिद्ध रूप है। वसंत और सर्द के समय में मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है, और यहाँ लगभग 125 करोड़ का श्रद्धालुओं द्वारा दान किया जाता है। गुजरात के वेरावल में स्थित हिस्टोरिकल और प्रसिद्ध है सोमनाथ टेम्पल। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर को कई बार लूटा भी गया है, पर आज भी यह मंदिर उसी सौर्य के साथ खड़ा है। यहाँ पर हर साल करोड़ों का चढ़ावा भी आता है, और मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर 1700 एकड़ की जमीन भी है। शिरडी साई बाबा मंदिर, महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित है साई बाबा का मंदिर। इस मंदिर के बैंक खाते में 380 किलो सोना और 4428 किलो चांदी जमा है। इस मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं और डॉलर और पाउंड में दान करते हैं। यहाँ करीब 2,000 करोड़ रुपए जमा है। मंदिर की नेटवर्थ 50,000 करोड़ है। यह है हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक, जहां आज भी गूंजती है पौराणिक कथाएं। यह है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल। पुरी हर साल तैयारी करता है ईश्वर की एक दिव्य यात्रा की, जब भगवान जगन्नाथ यानी जग के नाथ अपने भाई बहन के साथ 3 विशाल रथों पर यात्रा पर निकलते हैं। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में जगन्नाथ पुरी का नाम अवश्य आता है। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। इस मंदिर में 150 करोड़ तक का दान आता है, और 30,000 एकड़ जमीन भगवान जगन्नाथ पुरी के नाम पर रजिस्टर है। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत और रिसर्च लगी है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।